वेलकम ऑल टू माई चैनल बिलवड ऑफ ठाकुर जी, राधे राधे। आप सबका ठाकुर जी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम राधा रानी के लिए कलीरे बनाना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक कलीरे का जो सैंपल है, एक हाथ का, वो मैंने बनाया हुआ है। देखिए, ये इस तरह से है। इसको मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। देखिए, ये इसकी लुक इस टाइप से आएगी। ये बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि इसके नीचे मैंने हैंगिंग बीड्स लगाए हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये एक पीस बना हुआ है। इसका दूसरा पीस हम आपके सामने बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए, जो इसकी लेंथ है वो आपकी राधा रानी के अपने हिसाब से बनाइएगा कि उनके कितने इंचेस की हैं, उनके हाथ में कितने इंच का अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो सामान बनाने के लिए इसको लिया है, उसके लिए हमें चाहिए होंगे, देखिए, कुछ गोल्डन बीड्स चाहिए ऐसे, कुछ वाइट पर्ल्स चाहिए, कुछ ये हैंगिंग बीड्स आते हैं ये चाहिए, जंप रिंग्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, और कुछ मैंने गोल्डन बीड्स लिए हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगी आई पिंस। ये आई पिंस ज्वेलरी में यूज़ होती हैं, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ। और हमें चाहिए होंगे ये दो कैप्स, जो हमने, ये देखिए जो कैप्स मैंने यहाँ पे डाली है, ये एक बड़े साइज़ की है और उसके नीचे एक छोटे साइज़ की है। तो ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की ली है। देखिए, ये एक बड़े साइज़ की है, ये एक छोटे साइज़ की है, जिसमें मैंने छोटे में तो हैंगिंग बीड्स उसमें डाल लिए हैं, और बड़े में मैंने दो डाले हैं, दो मैं आपके सामने आपको डाल के बताऊँगी कि कैसे डाला जाता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक आई पिन लूँगी। देखिए, इस आई पिन को, इसके लिए हमें एक चाहिए होगा प्लकर, क्योंकि प्लकर की हेल्प से ही हम इसको खोलेंगे। तो देखिए, आई पिन यहाँ से ऐसा रिंग बना होता है। आई पिन में हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे, ये हल्का सा आप इसको प्रेशर देके जब खोलोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से लूज हो जाता है। अब मैं इसमें सबसे पहले तीन हैंगिंग बीड्स डालूंगी। देखिए, 1, 2, 3 थ्री हैंगिंग बीड्स डालने के बाद मैं इसको प्लकर से ही फिर से इसको वापस बंद कर दूंगी। ये जो खुला हुआ है इसका, इसको मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूंगी। देखिए, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगी। इसको आप इसको इतने अच्छे से टाइट करना है कि ये खुले ना, क्योंकि अगर ये लूज रहेगा तो फिर यहाँ से जो है बीड्स निकल जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, बंद कर दीजिए बिल्कुल उसके साथ चिपका के। ये मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। अब मैं इस पर क्या करूँगी, इसमें सबसे बड़ा वाला गोल्डन एक बीड डालूंगी। गोल्डन बीड डाल दिया, उसके बाद मैं ये वाली जो कैप, देखिए ये कैप में मैंने हैंगिंग्स पिरोए हुए हैं, अब मैं इसको डाल दूंगी। देखिए, इस टाइप से ये इसके ऊपर जाके सेट हो जाएगी। देखिए, इस टाइप से ये इतना बन गया है हमारा। अब हम इसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, इसमें मैंने छोटा एक गोल्डन बीड डाला है। देखिए, मैं गोल्डन बीड डालूंगी, उसके बाद फिर से मैं एक बड़ा वाला ये वाला बीड डाल दूंगी। ये डालने के बाद हम ये बड़ी वाली कैप डालेंगे। तो ये कैप में देखिए ये हैंगिंग्स डालें, ये हैंगिंग्स डालने कैसे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये जंप रिंग आता है, इस जंप रिंग को हम इसके प्लकर की हेल्प से इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, हल्का सा खोल लेना है इसको। इससे देखिए, मैंने यहाँ पे इसको हल्का सा खोल लिया है। इसको अगर एक्चुअली छोटा बहुत है तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको हल्का सा यहाँ पे खोल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें वही एक हैंगिंग फिर से इसमें डालूंगी। ये मैंने हैंगिंग इसमें डाल दिया। अब इस हैंगिंग को मैं, देखिए यहाँ पे इसके ऐसे देखिए होल्स बने होते हैं, इसमें मैं एक एक करके एक स्किप एक में डालूंगी, एक स्किप करूंगी, फिर नेक्स्ट में डालूंगी। इस तरीके से मैंने डाला है, एक एक स्किप करके। ये आपकी चॉइस है, आप कितना हैवी बनाना चाहते हो। अगर आपको बहुत हैवी चाहिए तो आप बिना स्किप किए सब में भी डाल सकते हो। ये देखिए, ऐसे डालने के बाद मैं इसको फिर से यहाँ पे टाइट कर दूंगी। जैसे इसका हमने थोड़ा सा खोला था रिंग को, इस रिंग को हम वापस में बंद कर देंगे। ये देखिए, बंद हो गया है और ये इस तरीके से आ गया है। अब मैं एक और आपको इसी तरीके से करके दिखाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए। रिंग लेंगे, रिंग को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे प्लकर की हेल्प से। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको खोल लिया। अब मैं इसमें फिर से एक हैंगिंग डालूंगी, ये डाल दिया। अब मैं फिर से इसको यहाँ पे यहाँ डालूंगी। ये देखिए, डालने के बाद मैं इसको ऐसे पकड़ के
यहाँ से इसको टाइट कर दूंगी, बंद कर दूंगी, जो उसका हमने खोला था उसको हम बंद कर देंगे ताकि बीड निकल ना पाए। तो देखिए इस तरीके से मेरी हैंगिंग ऊपर वाली भी रेडी हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके ऊपर इसको डालूंगी। ये मेरा इस तरीके से देखिए इतना रेडी हो गया है। इतना करने के बाद क्या करना है, अब जो हमें ये ऊपर जो इसकी बची है वायर बची है, इसको हमें एक रिंग की तरह फोल्ड कर देना है। तो आप क्या करिए, इसको पकड़ के इस तरीके से, इसको ऐसे पकड़ के इसको आपने ऐसे इसको नीचे राउंड कर देना है। ये इजीली हो जाता है। वैसे इसके लिए एक प्लायर आता है, लेकिन अगर प्लायर ना भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि प्लायर के बिना हम इसको कर नहीं सकते, हम इसको इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका ऐसे इसको बंद करके टाइट एक लूप बन गया है। अब देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे भी इसको सेम लूप बना दिया था। अब क्या हम करेंगे, दूसरा वाला एक आई पिन लेंगे, उसका भी ये थोड़ा सा इस टाइप से इसको खोल लेंगे यहाँ से हल्का सा। ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है इससे, ये देखिए ये थोड़ा सा खुल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर डाल के ज्वाइन कर दूंगी और फिर से इसको वापस बंद कर दूंगी। इसको टाइट कर दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से ताकि ये, देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर दिया है ताकि ये निकल ना पाए। अब ये ऊपर हमारे पास फिर एक स्ट्रिंग तैयार हो गई है जिसमें मैं 6 जो है वो गोल्डन बीड्स डालूंगी। देखिए यहाँ पे मैं 2, 3, 4, 5 and 6 यहाँ पे मैंने 6 बीड्स डाल दिए। 6 बीड डालने के बाद फिर जो ऊपर ये मेरा बचा है इसको मुझे फिर एक लूप की शेप देनी है, पर इसको लूप शेप देने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूँगी। कट करने के बाद अब मैं इसको लूप शेप दूँगी। ये देखिए मैं इसको फिर से मैंने इसका एक लूप बना लिया है। अब लूप बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, ये वाली वायर लूँगी और जितनी मुझे अपने राधा जी की गुलाई चाहिए, आप थोड़ा इसको पहले बड़ा ही कट कर लीजिए, पहले आप इसको इस तरीके से सीधा कर लीजिए। ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ईजीली सीधी हो जाती है क्योंकि ये थोड़ी मोल्डेबल होती है। देखिए मैंने इस तरीके से इसको ले लिया, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा ही कट करूँगी। मैं थोड़ा इसको बड़ा ही कट करती हूँ। देखिए अब क्या करूँगी मैं, देखिए अब मैं इसको इसमें से पास कर लूँगी, इस होल में से मैंने इसको पास कर लिया। अब देखिए मैं दो गोल्डन बीड्स जो हैं वो इस तरफ डालूंगी और दो ही मैं इस तरफ डालूंगी। फिर दो दो डालने के बाद मैं दो व्हाइट डालूंगी। दो व्हाइट फिर इधर भी डालेंगे सेम। फिर हम दो गोल्डन और डालेंगे। देखिए मैंने इसको यहाँ पे डाल के ऐसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक राउंड शेप दे दूंगी। इस तरीके से ये मेरी राउंड शेप आ गई है। अब चाहे तो हम इसको जो है इसको ऐसे बेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, पर मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे दोनों साइड से जैसे लूप बनाया था हमने वैसे ही मैं लूप बनाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले यहाँ पे थोड़ा कट कर लूँगी। देखिए कट करने के बाद मैं इसको इधर लूप बना लूंगी इसका। ये देखिए मैं इसका लूप इस तरह से मोल्ड करके इसको ये लूप बना देंगे। देखिए लूप बन गया। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इधर भी मैं सेम इसी तरीके से लूप बना दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके लूप बना लिए हैं। अब इसको जो है मैं किसी पे भी रख के थोड़ी राउंड शेप दे लूंगी। ये
जैसे यहाँ पे देखिए पेन है, तो आप पेन की शेप, पेन की हेल्प ले लीजिए, पेन से हम इसको एक राउंड शेप दे देंगे। देखिए ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा रेडी। तो देखिए ये कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो ये जब हम राधा रानी जी को पहनाएंगे ड्रेस के साथ जन्माष्टमी पे, तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आई होप कि आपको ये देखिए अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो, देखिए मैं आपको इसको एक बार पास से भी दिखा रही हूँ, इसकी लुक बहुत बहुत सुंदर है। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने पहले वैसे मेरे राधा रानी के पास थे ये ऐसी चीज़ थी नहीं, मैं सोचा कि जन्माष्टमी पे ड्रेस के साथ उनको ये पहनाऊंगी, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे साथ ठाकुर जी के इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।